खासकर मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये मैसेज है मणिपुर वालों के लिए भी। मणिपुर में मेरी टीम जाएगी और हेल्प करके आए। मैं 40 दिनों उनके लिए उपवास में जाऊंगा। इस साल में तुम्हारा कैरियर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। बारी है कि आप लोग कल जब चर्च में आएंगे तो आपको प्रेयर में साथ होकर एक मन होकर मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ कि मणिपुर में जो भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर उजड़ गया, उनकी आग लग गई है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ मणिपुर में मैं हेल्प करने के लिए अपनी टीम को भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। ओके, जितने मणिपुर के बिलीवर हैं आप मुझे सुन रहे हैं, कॉल सेंटर का नंबर स्क्रीन पे चलाओ, जो कॉल सेंटर का नंबर है। मणिपुर के जितने विश्वासी हैं, जितने लोग हैं वहां पे, बताया जा रहा है कि फूड की कमी है, कपड़ों की कमी है, लोग थोड़ा मुश्किल में हैं, तो आपको कॉल सेंटर का यह नंबर है, इस नंबर पे कॉल करनी है। और एक खासकर मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये मैसेज है मणिपुर वालों के लिए भी। मणिपुर में मेरी टीम जाएगी और हेल्प करके आएगी। जो लोग बीज बोना चाहते हैं हम वहाँ पर खाने का हर चीज का प्रोवाइड करेंगे। जो भी उनको हेल्प चाहिए, कपड़े, घर के सामान, जो भी, वो हमारे फोन नंबर पर फोन करें। और जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो बीच गोइंग प्रेयर लाइन नंबर पर। परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने सिर पे हाथ रखें सब। किसी समय परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए और उसी समय गुड न्यूज को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज बीज बो रहे हैं इनके घर में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सच में पवित्र आत्मा जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता पवित्र आत्मा जी आशीष लेना चाहते हैं, आज तेरा वचन का कलाम जब खुले, तेरा दिल खुले, तेरी मुट्ठी खुले, तेरा आकाश खुले और स्वर्ग खुलकर दिल खोल कर इन्हें आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिन्होंने मिस्री में बीज बोया, जो समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, देहरादून से, क्या राजस्थान से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा हूँ, पंजाब से, दिल्ली से, मेरे पिता हर ब्रांच से, जो ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा इस मिस्री में, मेरे पिता पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया है पवित्र आत्मा जी इन लोगों के घरों में आशीष है। जो गुजरात से, अहमदाबाद से देख रहे हैं, जो पूना से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, संडे के दिन इनका बीज फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, मैं रिलीज करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने अपने हाथों से स्कैन किया आज, उन लोगों के हाथों को पकड़ो आज, जिन लोगों ने अपने पर्स से, हाथों से बीज बोया आज यीशु मसीह के नाम में। मैं एंजल ट्रांसफर करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। इस महीने इनको गुड न्यूज दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अरे बोलो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है,
उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुखी काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार कराया है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे, पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे, जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी। अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं? ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें, हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखे। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए।